हाँ जी जी वरदा, कैसी हो आप? कितने लोग प्रेजेंट हैं? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। वरदा, आप कैसी हो? अच्छा, ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो जाएं। ग्रुप में इन्फॉर्म करो सबको। गुड आफ्टरनून सिद्रा, कैसी हो? हाँ जी, ग्रुप में इन्फॉर्म किया सबको। ठीक है, लेकिन सिद्रा अभी तक सिर्फ 8 लोग हैं। कांटेक्ट करो, ग्रुप में बार बार 3-4 मैसेजेस करो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सायरा, कैसी हो? सैरिश, कैसी हो? हाँ जी लाइबा, वालेकुम सलाम। सादिया, मैंने कोई गलत कहा था?
हाँ जी बच्चों, हाँ जी अरुषा कैसी हो, शास्ता कैसी हो? अच्छा, हमने अभी तक जो हमने स्किल्स सीखी थी, जो नोवाइस नर्स की हमने जो स्किल्स देखी थी उसमें हमने इंटरपर्सनल देखी थी। इंटरपर्सनल के साथ अब जो हम स्किल देखेंगे वो है क्लिनिकल। ठीक है, किन किन चीज़ों में स्किल्ड होना एक न्यूली ज्वाइनर को क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो इंटरपर्सनल स्किल्स हो गए, जिसमें हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन हो, और इसके अलावा सेल्फ परसेप्शन हो। नहीं, कहाँ से की है, हम तो बताऊंगी बाद में ग्रुप में। बताऊंगी, एक मसला है। अच्छा, तो क्या नाम लेते हैं, क्या हम करते हैं? हाँ, इंटरपर्सनल स्किल्स हमने देखी थी, अब हम क्लिनिकल स्किल्स देखेंगे कि क्या है। अच्छा, इन क्लिनिकल स्किल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आता है द नोवाइस नर्स हैज़ बेसिक नॉलेज ऑफ हाउ टू परफॉर्म नर्सिंग स्किल्स। ठीक है, जो नोवाइस नर्स होती है उसके पास बेसिक नॉलेज होता है कि उसने कैसे स्किल्स को परफॉर्म करना है, नर्सिंग स्किल्स किस तरीके से परफॉर्म करनी है। प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस है वो इंक्रीज कर देती है इफेक्टिवनेस को, एफिशेंसी को, और करेक्टनेस ऑफ परफॉर्मिंग स्किल्स को। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब उसने जब एक न्यू बंदा कोई भी नर्स गया है, उसने अब क्लिनिकल स्किल्स को कैसे इन्हांस करना है, सबसे पहले वो क्या करेगा, उसका जो बेसिक नॉलेज है ना स्किल परफॉर्म करने का, सबसे पहले उसका उस पे उस बेस का उसको पता हो। जैसे कि अब आप ये देख लो कि मैं आपको बताती हूँ कि हम आपको क्यों करवाते हैं जाने ड्यूटी, उधर जाने से पहले क्लिनिकल्स क्यों करवाते हैं, कोई भी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले हम आपको स्किल्स क्यों करवाते हैं, हम आपको क्लिनिकल्स क्यों करवाते हैं। बेसिकली हम इसलिए करवाते हैं कि आपका बेसिक नॉलेज एनहांस हो और आपको पता हो। किसी को भी शो नहीं हो रही? हाँ जी, अब भाई हाँ मुझे भी शो, चलो मैं दोबारा करती हूँ। मैं दोबारा से कर रही हूँ। एक आपको असाइनमेंट दी थी कि जब हम दोबारा क्लास में होंगे तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी। किस किस ने उसको प्रिपेयर किया? हाँ जी, मैंने काम कहा था आप लोगों को, इस तरह की सिचुएशन होगी तो उसमें आप कैसे मैनेज करोगे, जिसमें एक पेशेंट आपके सामने भी होश हो गया या गिर गया। अब शो हो रही है।
ठीक है, हम वापस से उन्हीं टॉपिक्स पे जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे। हम स्किल्स देख रहे थे कि कौन कौन सी स्किल्स जो कि जो न्यूली अपॉइंटेड नर्स होती है उसको करनी है, जैसे कि आप स्टूडेंट हो या कोई भी ऐसा जो कि न्यू फील्ड में गया है, जो अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद उसने जैसे ही अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया है, तो उसको किन किन चीज़ों को, अपनी स्किल्स को कहाँ कहाँ इन्हांस करने की ज़रूरत है। तो उसमें हमने सबसे पहले देखी थी इंटरपर्सनल स्किल्स है। इंटरपर्सनल स्किल्स में हमने देखा था कि कम्युनिकेशन आ जाती है, डीलिंग विद अदर्स आ जाता है, और अंडरस्टैंडिंग है, मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, उससे पहले हम फेजेस देख रहे थे, स्टेजेस हमने देखे हैं। स्टेजेस के बाद जब हम रीजंस लीड टू स्ट्रेस, अच्छा ये वाली स्लाइड मिस हो गई थी, हाँ इस वाली स्लाइड को एक नज़र देख लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। ये स्लाइड मिस हो गई है। रियलिटी शॉक में हमने क्या देखा है कि 4 रीजंस होती हैं जो हमें स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं रियलिटी शॉक में। क्या है? सबसे पहले रियलिटी ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, रियलिटी ऑफ प्रैक्टिस किस तरीके से स्ट्रेस की तरफ ले जाती है कि जब आपको एक काम करने का कहा जा रहा है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम आती है कि एक काम है जो कि आई वी लाइन जब भी आप पास करने लगते हो ना आपसे पास नहीं होती है, और जो है ना आपकी आपसे ब्रेक हो जाती है। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, तो इससे ये हुआ कि आपको जो है ना इस बात का गुस्सा आने लग गया, आप स्ट्रेस लेने लगे क्योंकि आपको सारे बात ये सुना देते हैं, इससे नहीं पास होगी, इसको छोड़ो, ये नहीं कर सकता, इसको छोड़ो। ठीक है, अनफेमिलियर विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उससे फेमिलियर नहीं हो, आपको पता नहीं है, ये चीज़ आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाएगी। जैसे कि आपको पता नहीं है, स्ट्रक्चर में ये भी आ जाता है कि हायरार्की क्या है, ऑर्गेनोग्राम क्या है। जैसे कि नर्सिंग डायरेक्टर के बाद मैनेजर आता है, मैनेजर के बाद डिप्टी मैनेजर है, डिप्टी मैनेजर के बाद सुपरवाइजर है, फिर टीम लीडर्स हैं, फिर उसके बाद नर्सिस हैं। ठीक है, तो आपके पास सुपरवाइजर, आपके पास मैनेजर आया, सिस्टर एक्टिविया और SP वगैरह आए, और उन्होंने आके कहा कि भाई ये चीज़ ऐसे करो, आपने ऐसे करना है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद सुपरवाइजर आ गए, सुपरवाइजर ने कहा जी ये काम ऐसे नहीं, ऐसे करना, आपने पहले हमारे पास अटेंडेंस लगवानी है। टीम लीडर कहता है पहले हमारे पास लगवानी है। तो आप एकदम स्ट्रेस में आ गए, भी हम किसकी माने और किसकी ना माने, हमें तो कभी कोई यहाँ खींचता है, कभी वहाँ खींचता है, हम किसकी मान के चले। लैक ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप, आपकी वार्ड में आपके लोगों से नहीं बन रही, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो इंचार्ज हैं, वो आपको बदतमीज कह रहे हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बात नहीं मानता, ठीक है ये बात नहीं सुनता, और ये बदतमीजी करता है आपसे, इस तरह की क्वेश्चनिंग की जा रही है। दूसरा, लैक ऑफ क्लिनिकल जजमेंट, और आपकी जो है वो क्लिनिकल जजमेंट ठीक नहीं है, आप पेशेंट को जज नहीं कर पा रहे, आप जो रूटीन है मेडिसिन की या काम करने की या जो आपकी प्रैक्टिसेस हैं आप उसे प्रॉपरली जज नहीं कर पा रहे हो। तो ये क्या है, लैक ऑफ क्लिनिकल जजमेंट आ गया, रियलिटी शॉक आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है जब आपका प्रोफेशनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा, आपको सीनियर्स काम नहीं सिखाएंगे, जूनियर्स आपसे बात नहीं करेंगे, ना आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको आने जाने मुश्किल होगी, आपको कोई रिलीव जल्दी करके नहीं करवाएगा, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जो स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, और एक नॉर्मल इंसान, जैसे हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, अगर इस तरह का रिजेक्टिव कोई भी एनवायरनमेंट होता है जिसमें आपको बार बार ये सुनाया जाए ये बदतमीज़ है, ये बदतमीज़ है, ये सही नहीं है, ये बात नहीं मानता, ये ऐसे करता है, हर चीज़ में रिजेक्शन दी जाए, तो मेंटल में हमने क्या पढ़ा था कि जो रिजेक्टिव रिजेक्शन वाला बिहेवियर होता है या एटमोसफेयर होता है वो हमें प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अच्छा हम इसके अलावा स्पेशल नीड्स ऑफ न्यूली नर्स की हम देख रहे थे, उसमें हमने इंटरपर्सनल देखी है, अब हम क्लिनिकल देखेंगे। क्लिनिकल में हमने स्टार्ट लिया था, मैं आपको बता रही थी कि जो न्यूली अपॉइंटेड नर्स होती है उसको बेसिक नॉलेज होता है कि आपने कैसे परफॉर्म करना है नर्सिंग स्किल को। सेकेंड जो है वो सेकेंड में आता है कि प्रैक्टिस जो है वो जब आप प्रैक्टिस करते हो काम की, यानी कि आप जब पहली दफ़ा गए तो आपको थर्मामीटर में मरकरी नज़र ही नहीं आता था, जब आप वाइटल साइन करते थे टेम्परेचर का आपको उसका BP का पता ही नहीं लगता था, BP की कब टिक टिक आना शुरू हो जाती, कब बंद हो जाती, आपको स्टेथ में BP की आवाज़ ही नहीं आती थी। ठीक है, तो जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता जब आपने काम शुरू किया, जब आप रूटीन में वाइटल साइन करने लगे तो आपको पता लग गया कि भाई
इफेक्टिवनेस जो है वो प्रैक्टिस से ही इफेक्टिवनेस आती है, एफिशिएंसी भी ज़्यादा काम करने से आती है और करेक्टनेस भी आती है जब आप स्किल्स को परफॉर्म करते हो बार बार, ठीक है। और क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप काम करोगे उतना ही आपका जो है वो आपकी प्रैक्टिस, आपकी स्किल्स जो है वो एनहांस होंगी। अच्छा एक और चीज़ है, हमेशा एक चीज़ माइंड में रखना, जो बंदा कहता है ना कि मेरे से तो कभी गलती ही नहीं होती, हर वो बंदा गलती करता है जो काम करता है, जो काम ही नहीं करेगा उससे गलती कैसे होगी, ठीक है। फिर ड्यूरिंग ओरिएंटेशन फेज द नोवाइस नर्स शुड आस्क टू ऑब्जर्व और असिस्ट इन एन एक्सपीरियंस नर्स विद द लेसर डिग्री ऑफ विद प्रोसीजर्स फॉर विच देयर इज नो लोअर कप। ड्यूरिंग ओरिएंटेशन फेज जो न्यू नर्स होती है शुड आस्क टू ऑब्जर्व और असिस्ट एन एक्सपीरियंस नर्स। जब भी ओरिएंटेशन होती है और जब जैसे जैसे आपको पहले या दूसरे हफ्ते में जाते हो तो हमेशा जो आपके जो असिस्टेंट जो आपके सीनियर्स होते हैं उनको उनके साथ आप रह के काम सीखो। जो कोई भी न्यू बंदा जाता है, कोई भी अगर फ्रेशर जाता है तो उसे ये कहो कि अपने सीनियर से एक्सपीरियंस नर्स को ऑब्जर्व करके सीखो, उनसे पूछो कि ये काम कैसे करना है, खुद से करने की कोशिश ना करो, ठीक है। एक्सपीरियंस नर्स से पूछो विद द प्रोसीजर फॉर विच देयर इज लोअर कंफर्ट लेवल और लेसर डिग्री ऑफ एक्सपीरियंस, स्पेशली उनके अंदर तो लाजमी पूछो जिसमें आपका एक्सपीरियंस भी नहीं है और आपने कभी वो प्रोसीजर करवाया भी नहीं है और आपको उसके बारे में पता भी नहीं है। जैसे कि आपको जाते साथ ही कह भी जैसे कि आपको कह दिया कि जी लंबर पंक्चर करो, पेशेंट का लंबर पंक्चर में हेल्प करो, अब लंबर पंक्चर में आप कैसे हेल्प कर सकते हो जब आपने कभी प्रोसीजर करवाया ही नहीं, जब कभी आपने देखा ही नहीं इस तरह से, ठीक है, तो मुश्किल होगा। ए पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस एंड सडन फॉल। हाँ सिमरा ने वो मुझे आंसर किया है, सिमरा कह रही है, सिमरा इसको ओपन में करो रिप्लाई, प्राइवेट ना करो ताकि सब लोग पढ़ सके। सिमरा कह रही है मैंने भी किया है मैम। हाँ वरदा मुझे भेजो, मैसेज करो अगर किया हुआ है तो, या मुझे बताओ कि आप क्या कहना चाह रहे हो। सिमरा कह रही है इफ द पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस एंड सडन फॉल वी शुड मैनेज द पर्सन एयर वे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, यानी कि एबीसी हो गया, फिर उसके बाद है पोजीशन द पर्सन लाइंग फेस अप, टर्न द पर्सन फेस है, टिल्ट द हेड है, ठीक है। फिर उसके बाद है कीप द पर्सन वार्म, मॉनिटर ब्लड प्रेशर, आइदर द पर्सन मे बी हाइपरटेंशन है, असेस द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, ऑब्जर्व एनी इंजरी, कीप द पर्सन इन सेफ एनवायरमेंट, प्रिवेंट फ्रॉम फर्दर इंजरी, ठीक है, गुड। और एनीथिंग एल्स?
हाँ जी, कोई और कुछ ऐड करना चाहते हैं? वर्दा कह रही है मैम, जब पेशेंट सडनली फॉल होगा तो अगर क्लिनिक में सॉरी मैम, जब पेशेंट सडनली फॉल होगा तो पेशेंट के साथ स्टे करना है एंड हेल्प के लिए कॉल करनी है, देन वाइटल साइंस चेक करवाने हैं। इफ द पेशेंट इज ब्रेथलेस फॉल भी नहीं है, देन CPR शुड बी स्टार्टेड। ठीक है, ओके वर्दा मैम, आप गाइड कर दें बाकी। ठीक है वर्दा, मैं कर देती हूँ और बाकी। क्या मुबशरा किरा मैम, विदिन दैट टाइम ऑफ इमरजेंसी वी नीड टू कॉल टू नियर बाय। हाँ हीरा, ठीक कह रहे हो आप। हॉस्पिटल फॉर एनी इमरजेंसी, ठीक है हीरा, ठीक कह रही हूँ। जब भी आपने पेशेंट फॉल देखा है तो सबसे पहले आप उसका कॉन्शियस लेवल चेक करोगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखोगे, जाते साथ ही शाउट करोगे, शाउट करके अंकल अंकल आंखें खोलें, क्या हुआ है, मेरी तरफ देखें, अंकल क्या हुआ है आपको, बात सुने, या आंटी आंखें खोलें। अगर तो उसने रिस्पॉन्स दे दिया है तो ठीक है, तो अगर उसने नहीं दिया, अगर वो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कितने स्नैरियोज होते हैं। अच्छा चलो इसको कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपके साथ इस बारे में इसको थोड़ा सा इसको डीप करेंगे कि एक अगर तो पेशेंट होगा ना किसी ऐसी सिचुएशन में गिरा होगा, जैसे उसका BP ड्रॉप हुआ है और वो गिर गया, तो आपकी जवाब जैसे ही वो गिरेगा ना तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगा, वो आपको रिस्पॉन्ड कर देगा, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा हिलाने जुलाने पे, बात करने पे भी उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो इट्स मीन के उसका कुछ और ही लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसको ज़्यादा किसी असिस्टेंस की या किसी हेल्प की ज़रूरत है। अगर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो इट्स मीन वो अनकॉन्शियस है, और वहाँ पे फिर आप उसको क्या करोगे कि आप उसको फिर उसका हार्ट रेट चेक करोगे और रेस्पिरेशन चेक करोगे, अगर ब्रीद नहीं कर रहा तो फिर आप उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग दोगे, जैसे कि आप एम्बो करोगे, और अगर पेशेंट का हार्ट रेट भी नहीं आ रहा तो फिर आप CPR, फिर आप वो करोगे कार्डिक कंप्रेशन दोगे। ठीक है मैम, ये भी तो हो सकता है, अरफा करी मैम, ये भी तो हो सकता है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से अनकॉन्शियस हो। बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ चीज़ें, अरफा मैं भी आपको यही बता रही हूँ, मैंने आपको बताया कि अगर गिर गया है तो हो सकता है BP ड्रॉप हुआ हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अब आपने, मैंने आपको वो बात शुरू करने वाली थी और फिर छोड़ दी कि एक दफ़ा ये कंप्लीट कर लूँ। तो जब पेशेंट जब गिरता है तो कुछ रीजंस होती हैं जिनकी वजह से पेशेंट फॉल करता है। पहले मैंने आपको सुबह का बताया था कि स्पिलेज की वजह से है, कुछ भी स्पिलेज वगैरह है जिसकी वजह से गिर गया है, फ्लोर वगैरह वेट था उसकी वजह से गिर गया। सेकेंड रीज़न हो सकती है कि पेशेंट का शुगर लेवल लो हो। तो अब ये एज अ नर्स और एज अ क्रिटिकल नर्स आप कैसे जज करोगे इसको क्या हुआ होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ आ जाती है, मुझे ये बताओ कि हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं जिससे आप जज करते हो कि हाइपोग्लाइसीमिया है, और पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन लेवल हाइपोक्सिया की वजह से, SOB की वजह से, रेस्पिरेटरी अरेस्ट से गिरा है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे? ये इन चीज़ों को पहले डिफ्रेंशिएट करो, ये आपको सबसे पहले सिम्टम्स पता होंगे तो आप जज कर पाओगे कि इसको जो है वो होपफुली क्या हुआ होगा। ठीक है, फिर ही आप देख पाओगे कि इसको क्या हुआ होगा, मुझे लगता है कि इसको ये हुआ होगा, इस तरह की बात आप सोच पाओगे या सोच सकते हो। ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया के साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि पेशेंट की स्किन, पेशेंट जो है वो कोल्ड क्लैमी होगा। ठीक है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होगी और पेशेंट बिल्कुल कोल्ड होगा, बहुत प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही होगी और बहुत पेशेंट अनकॉन्शियस होगा। ये शुगर लेवल कम होने का तरीके की रीज़न होती, के साइंस होते हैं जिससे पता लग जाता है। और दूसरा क्या है कि अगर बीपी ड्रॉप होने की वजह से हुआ है तो पेशेंट को बीपी ड्रॉप होने के लिए से पहले और पेशेंट को बेहोश होने से पहले वो फील करेगा कि जैसे मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, सर में शदीद दर्द होगी, और फिर वो बेहोश होगा। उससे पहले वो इस चीज़ को जज कर लेगा, नोटिफाई कर लेगा कि मुझे शायद कुछ होने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो गिरे फिर वो बेहोश होगा, तो जैसे ही जो शुगर लेवल लो होने की वजह से फेंट होगा
उस वो तो जब तक आप 25% नहीं दोगे वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो बीपी वाला है वो फ़ौरन से उसका जो है ना बीपी जैसे ही वो नीचे गिरेगा, बेसिकली होता क्या है कि ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसकी वजह से पेशेंट जो है वो फॉल करता है। तो जैसे ही आप जैसे ही पेशेंट गिरता है तो हेड लेवल जो है वो बॉडी के पेरिफेरल पार्ट के इक्वल आ जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर जो है वो अपने वापस सिचुएशन में आ जाता है। अब फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट है कि जैसे हम हाइपोग्लाइसीमिया की बात करते हैं उसमें आपको 25% ही देना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया। और अब आपने देखा कि पेशेंट को बहुत स्वेटिंग हुई हुई है और बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो आपने और नोटिस कर लिया पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो आपने अगर आपके आसपास कोई है तो आप उसे कॉल करोगे कि भाई आप मेरी आके बात आप मेरी हेल्प करवाओ, पेशेंट यहाँ पे गिर गया है, पहले कॉल आप करोगे। सेकंड कॉल आप क्या करो, फिर आप पेशेंट का कॉन्शियस लेवल, उसकी कैरोटिड वगैरह चेक करोगे, कैरोटिड नहीं आ रही, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इंटरनल हेल्प बुलानी है, यानी कि हॉस्पिटल का 331 पे आप कॉल करोगे या 0 पे कॉल करके कोड अनाउंस करोगे। अब जो गिरने का कोड है, पेशेंट फॉल का कोड है, वो है कोड येलो, ठीक है, कोड येलो है। जैसे ही आपने देखा पेशेंट गिर गया है तो आपने कोड येलो अनाउंस कर देना है, कोड येलो फीमेल मेडिकल वार्ड कॉरिडोर, ठीक है, इस तरह से करोगे, या कैफेटेरिया कोड येलो इन कैफेटेरिया, ठीक है, नर्सिस कैफेटेरिया इन डॉक्टर्स कैफेटेरिया, तो जो जहाँ भी कोड होगा वहाँ पे लोग अपने आप ही पहुँच जाएंगे, इस तरह से होगा। इसी तरह कोड, अब हमने उस दिन बात की थी आज के कोड्स की, मैंने आपको कलर्स की बात की थी कि किस तरह से कलर्स हैं। अच्छा, एक तो हम शुगर की बात कर रहे थे, दूसरा रेस्पिरेटरी अरेस्ट की बात कर रहे थे। रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जो है पेशेंट जो है वो साइनोज हो जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि रेस्पिरेटरी अरेस्ट में है। फिर वो उसका स्किन कलर जो है वो वाइटिश और ब्लूइश हो जाता है, लिप्स उसके ब्लू होंगे, नेल्स ब्लू होंगे, तो हमें पता लगेगा रेस्पिरेटरी अरेस्ट में गया। फिर इसके बाद आ जाती है बीपी लो की वजह से जो गिरते हैं, जो बीपी ड्रॉप की वजह से गिरेंगे उसका सबसे पहला स्टेप आपने क्या लेना है, हाँ बिल्कुल, ओरल याद होने चाहिए, और आपको वैसे ही पता होंगे फिंगर टिप्स पे, आपको ये इंटरनेशनली चलते हैं, आप अपने आपके शालामार में बहुत ज़्यादा जहाँ पे आप क्लिनिकल करते हो बहुत ज़्यादा लेवल का काम होता है, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपनी लाइफ में भी। अगर यहाँ से आप अच्छे से काम करके चले जाते हो तो आप बड़े से बड़े सेटअप में मार नहीं खा सकते, यहाँ पर इतनी अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, जब अगर बीपी ड्रॉप होने की वजह से जो फॉल करेगा उसके लिए सबसे बेस्ट और फाइनल सोल्यूशन है कि आप उसकी लेग्स को अप कर दो, ठीक है, ताकि ब्लड सप्लाई जो है वो ब्रेन तक जाए और पेशेंट का कॉन्शियस लेवल जो है वो इंक्रीज हो, ठीक है। हेलो, पता नहीं मेरा तो लेक्चर है। अच्छा, और इसके अलावा क्या है, आपने लेग्स अप कर दी हैं और उसे बीपी बेहतर हो जाए। अच्छा, फिर इसके बाद कोड्स की मैं आपको बात बताई थी, कोड ब्लू जो है वो कार्डियक अरेस्ट का है। अब यहाँ पे इसका कोड ब्लू भी बनता है प्लस कोड येलो भी बनता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम कोड ब्लू इसलिए नहीं कर रहे कि अभी आपको कॉन्शियसनेस का कोई लेवल का पता नहीं है। आप कर भी सकते हो, आप कोड ब्लू भी कर दो तो वो उसी चीज़ को भी, अगर आप कोड ब्लू कर देते हो तो वो भी उसी को ही सपोर्ट करेगा। मुझे लगा मैम ने हमें कहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, आ जाता है कोड रेड। कोड रेड आता है जब आग लग जाती है कहीं पे, जब कहीं पे आग लग जाती है और किसी भी किस्म का फायर होता है तो उसके लिए कोड रेड किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है, फिर आ जाता है कोड रेड हो गया। अच्छा, कोड ग्रे आता है जब पेशेंट जो है वो चाइल्ड अबडक्शन के लिए, यानी कि बच्चा चोरी हो गया है, गायब हो गया है, उसके लिए कोड ग्रे है। और कोड ब्लैक है
जब बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, कोई भी डिजास्टरस सिचुएशन होती है, बिल्डिंग कोलैप्स हो आ गई है, नेचुरल डिजास्टर है कोई भी, तो उसके लिए जो है वो जैसे अर्थक्वेक हो गया, और इसके अलावा कोई बिल्डिंग गिर गई है और या सैलाब वगैरह आ गया है, सडन कोई भी ऐसा नेचुरल डिजास्टर होता है, तो उसकी वजह से कोड ब्लैक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देख लिया कोड ब्लू देख लिया, कोड ग्रे देख लिया, कोड रेड देख लिया, कोड हमने येलो देख लिया और कोड ब्लैक देख लिया। ठीक है, आपको इनका पता होना चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद थर्ड पे लाइन थी क्लिनिकल स्किल्स में कि ड्यूरिंग ओरिएंटेशन फेज नर्स ने क्या है, मैंने बताया था कि नर्स ने ऑब्जर्व करना है और असिस्ट करना है। ऑब्जर्व सबसे पहले तो ऑब्जर्व करेगी ना कि हमारे सीनियर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब आप क्लिनिकल पे जाते थे, पहले ऑब्जर्व करो कि लोग किस तरह मैनेज करते हैं, काम करते हैं, विद प्रोसीजर्स फॉर विच देयर इज लोअर कम्फर्ट लेवल। फिर उसके बाद ये देखना है कि कंफर्ट अप, और आपने ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें आप काम में कंफर्टेबल नहीं हो। जैसे कि आपने वेंटिलेटर का पेशेंट ले लिया कि चलो मैं ऐसे ही सीखूंगा, तो पहले आप लोग किसी सीनियर के साथ काम करो, उसकी हेल्प करवाओ, उससे सीखो कि ये काम कैसे करना है, किस तरह से मैनेज करते हैं, उसके बाद आप पेशेंट को। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में क्या है, द नोवाइस नर्स में लैक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। जो नोवाइस नर्स होती है वो उसमें लैकिंग होती है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की, यानी कि अब उसको पता नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करना है। जैसे कि हम ये शालामार की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में आता है कि आपने जितनी भी मेडिसिन है वो सारी आपने सिस्टम पे मंगवानी है और नोट्स आपने सिस्टम पे लिखने हैं या हैंड रिटन लिखने हैं। फिर इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में आता है कि आपने मेडिसिन जो है एडमिशन भी सारे का सारा एडमिशन भी उसके अंदर होगा, सिस्टम में होगा, और फिर उसके ऊपर डिस्चार्ज भी सिस्टम से करवाया जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में आता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में ये आता है कि आपने जो है पेशेंट की फाइल के साथ साथ आपने सिस्टम पे भी उसकी सारी एंट्री और उसको फिलफिल करना है। ठीक है, समवन इज़ यूजुअली विद द स्टूडेंट टू ऑफर सजेशंस ऑन हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर टाइम। ठीक है, कुछ समवन इज़ यूजुअली विद द स्टूडेंट टू ऑफर सजेशंस ऑन हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर टाइम। कुछ लोग ऐसे होते हैं या कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि स्टूडेंट के उसको गाइड करे और सजेशन दे या ऑफर सजेशंस ऑन हाउ टू ऑर्गेनाइज देयर टाइम, कि आपने अपना टाइम को कैसे मैनेज करना है। एज अ स्टूडेंट आप किस तरह से लर्निंग कर सकते हो कि एक तरफ आप काम सीख भी रहे हो और दूसरी तरफ आप जो है अपना पढ़ भी रहे हो। अब आप कहते हो कि हमारे सेकेंड ईयर में क्लिनिकल होते हम सही से पढ़ नहीं पाए। अब ये आप हो जो कि पूरे साल में या अपने एक पूरे साल की क्लास में आप एक से दो दफ़ा वीक के लिए, टू वीक के लिए या मंथ के लिए क्लिनिकल पे जाते हो। अदरवाइज पूरे बाकी सारे गवर्नमेंट सेटअप्स में डेली की ड्यूटीज़ लगती हैं और डेली क्लासेस होती हैं। ठीक है, और साथ साथ एग्ज़ाम भी होते हैं, तो वो लोग भी मैनेज करते हैं किसी न किसी तरह से। ठीक है, डेलीगेशन स्किल्स क्या हैं, द मोस्ट स्टूडेंट नर्स हैव लिमिटेड एक्सपोजर टू डेलीगेशन। ठीक है, मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका लिमिटेड एक्सपोजर होता है डेलीगेशन के साथ, अनसर्टेनिटी टू और फीलिंग अनकम्फर्टेबल विद डेलीगेशन मे बी रिजल्ट ऑफ द पर्सनल टू होम वन इज डेलीगेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर डेलीगेशन से मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग बाहर से टीम्स आती हैं और कुछ इस तरह से स्पेशल लोग आते हैं, उनके साथ ड्यूटी लगा दी। उनके साथ ड्यूटी लगा दी जाती है और वो उनका एक्सपोजर लिमिटेड होता है और फिर वो सीनियर्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ काम करना और अनसर्टन और फीलिंग भी अनकंफर्टेबल होती है। तो फिर जैसे कि मैं आपको बात बताती, प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ लगा दी जाती हैं, ट्रस्टीज़ के साथ ड्यूटी लगा दी हैं, कोई मिनिस्टर है उसके साथ ड्यूटी लगा दी है, और इस तरह की जो ड्यूटीज़ लगती हैं उसके लिए लोग कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जो न्यूली अपॉइंटेड हैं। नए बंदों की लगा देंगे तो उनके लिए मैनेज करना मुश्किल है। प्रायोरिटी सेटिंग स्किल्स, अब यहाँ पे आता है कि एक जो न्यू ज्वाइनर है या स्टूडेंट नर्स है, इंटर्न है, उसको अब यहाँ पे देखना है कि वो अपनी प्रायोरिटीज़ को किस तरीके से सेट करें, इस चीज़ पे उसकी ग्रिप होनी चाहिए। जैसे कि अब आप एग्ज़ाम भी हैं आपके और आप पढ़ भी रहे हो साथ साथ और आप क्लिनिकल्स पे भी जा रहे हो और आपको असाइनमेंट्स भी मिल रहे हैं, तो जैसे कि अब जो सवाल से स्टूडेंट आते हैं वो भी मैम इसी में आते हैं। कैसे कैसे अक्सा
अब आपने अपनी प्रायोरिटी जो सेट करनी है उनको आपने क्या करना है, जो जो अपनी प्रायोरिटी को सेट कर लेता है, जिसे पता है कि मैंने अपने पूरे दिन के अंदर 5 से 6 घंटे अपनी स्टडी को देने हैं, या मैंने डेली 2 घंटे निकाल के अपनी स्टडी करके फिर सोना है। मैंने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि मैंने जो लेक्चर्स लिए हैं उनको मैंने पढ़ना भी है, उनकी रिविजन भी करनी है। जो इन चीज़ों को सेट कर लेता है, अपने सेट गोल्स बना लेता है, उसके लिए चीज़ें काम करना फिर मुश्किल नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद प्रायोरिटी सेटिंग इज़ अ स्किल दैट ऑल नर्सिंग स्टूडेंट मस्ट डेमोंस्ट्रेट। अपनी प्रायोरिटी हमेशा बनाओ कि कौन सी चीज़ आपके लिए अव्वल पे है, कौन सी आखिर पे है, उसके हिसाब से चलो। द डिफरेंस बिटवीन द नर्सिंग स्कूल्स एंड द रियल वर्ल्ड इज दैट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज अक्कर इफ प्रायोरिटाइजिंग इज नॉट डन इफेक्टिवली। ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है नर्सिंग स्कूल्स में और रियल वर्ल्ड में, जब तब प्रॉब्लम आती हैं जब चीज़ों को पहले से प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, चीज़ों को पहले से ही लिस्टिंग नंबर 1, 2, 3 पे क्या है नहीं किया जाता, फिर प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं होता, चीज़ें मैनेज नहीं कर पाते, तब प्रॉब्लम्स आती हैं। स्ट्रेटजी टू ईज ट्रांजिशन, हाँ ये आप इंटर्न्स की बात कर रहे हो, सवात वाले जो इंटर्न्स आते हैं अक्सर, मुझे लगता है आप उनकी बात करें, क्योंकि सवात के स्टूडेंट्स तो हमारे पास कोई भी नहीं होते ना। इंटर्न्स की आप बात कर रहे हो कि जैसे हमारे पास वहाँ के जो ट्रेनिंग आए हुए हैं और वो यहाँ पे आके जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो उनकी उनकी स्किल्स में उन लोगों से मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। जो सवात से जो लोग आए हैं ना, मैं उनको एक बात बताऊँ, इनका जो बैज आया था जो ये इमाद लोगों का, ठीक है, आपने इनके साथ काम किया होगा, तो वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। इमाद हो गया, मुराद हो गया, नुमान हो गया, नुमान के साथ काम किया है, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। इनमें से कोई एक आता है जो काम चोर है, जैसे अब्दुल सलाम है वो काम चोर था, तो सारे नहीं ऐसे, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और इनकी और हमारी चीज़ों में बहुत फ़र्क है। जो आजकल इंटर्न आए ना, आजकल जो बड़े अजीब अजीब से आए हैं, अजीब अजीब से आजकल आई हूँ मैं, वो उनको मैं नहीं जानती, उनका उनका प्रॉब्लम है, हो सकता है नहीं है क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ जो पहले वाले थे ना, पूरा बैच जो था उनको, उन वो सही काम करते थे, उन लोगों का ऐसे इनके जैसे सलमान है वो बहुत अच्छा काम करता है, नुमान है और इजाज़ है, ठीक है, और नुमान है, नईम है, नईमुल्ला, ये काफ़ी सारे लड़कियाँ ही बहुत अच्छा काम करते थे, ईमान बहुत अच्छा करता, ठीक है। अब्दुल सलाम की तो बात ही ना करो, वो तो अजीब ही चीज़ है। अच्छा स्ट्रेटजीज हैं कुछ टू ईज ट्रांजिशन, ट्रांजिशन को ईज करने के लिए जो स्ट्रेटजीज की गई हैं, सबसे पहले बाइकल्चरलिज्म है, ठीक है, यानी कि दो कल्चर होना, और बाइकल्चरलिज्म इज द ज्वाइनिंग ऑफ टू अकॉर्डिंग कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू सिस्टम, दो जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी जो वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करके जो है वो, बाय का मतलब है दो कल्चर्स के दरमियान में प्रॉब्लम चल रही है, फाइट चल रही है, हमारा अडॉप्ट किया जाए, हमारा किया जाए, या दोनों को एट अ टाइम इम्प्लीमेंट करवाया जाए, ठीक है। दोज वैल्यूज विद दीज ऑफ द वर्क प्लेसिस दीज डिज़ाइन टू एनहांस पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड अलाउ द न्यू नर्स टू इंट्रोड्यूस आइडिया और वैल्यू ब्रॉट फ्रॉम नर्सिंग स्कूल एंड इंटेग्रेटेड देम इनटू द वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। दो स्कूल वैल्यूज विद दीज ऑफ द वर्क प्लेसिस दीज डिज़ाइन टू एनहांस पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड अलाउ द नर्स, ठीक है। नहीं मिला तो एक हमारा सीनियर था, आप सुना लिए कि कहीं इंस्ट्रक्टर बन गया है, नहीं 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 मुला वो वाला नहीं है, ये दूसरे नाम की मैं बात कर रही हूँ। इसमें क्या है कि इस तरह के जो स्कूल्स हैं इनकी वैल्यूज हैं वर्क प्लेस से रिलेटेड और जो डिज़ाइन किए गए हैं ये पॉजिटिव सेल्फ इमेज को एनहांस करते हैं और नर्स को अलाउ करते हैं कि वो इंट्रोड्यूस न्यू आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए वैल्यूज़ को ब्रॉड करने के लिए नर्सिंग स्कूल से वैल्यूज और जो कल्चर्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है और इंटेग्रेट किया जाता है उनके वर्क एनवायरनमेंट में। ये तब हो सकता है जब दोनों चीज़ें पैरेलल और अच्छे से चल सकें और दोनों जगहें जो हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करने वाली हों, जैसे
जो कॉलेज है वो इस चीज़ को जो पढ़ाता है कॉलेज जिस भी चीज़ को उसको हॉस्पिटल एक्सेप्ट करे कि भी हाँ जो पढ़ के आ रहे हैं वही इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये जो अंदर ही अंदर खाना जंगी है ना, वो जब चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करने देती तब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जब जाते हो पढ़ते कुछ हो करवाया कुछ जाता, आप अपने माहौल को के अकॉर्डिंग काम करने की, अपने लर्निंग के अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश भी करो तो क्या किया जाता, क्या कहा जाता, बस करो ये स्टूडेंट ये पढ़ने की हद तक ही है, ये आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बस करो ये नहीं हम दोबारा करना, बस करें ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका मोरल डाउन होता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जानबूझ के क्लिनिकल और हॉस्पिटल को सेम टू सेम चलने नहीं दिया जाता, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। जब दोनों चीज़ें जब इकट्ठी और एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, बेसिकली होना ये चाहिए जो आप पढ़ के जाते हो, जैसे हम आपको प्रैक्टिसेस कराते हैं, जब आप वार्ड में जाओ तो वहाँ भी सेम पेज के लोग बैठे हैं और वो आपको देखते हैं कि क्या जो पढ़ के आए हैं सेम इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, और जो आप पढ़ के आए हो वैसा सेम टू सेम इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब प्रॉब्लम आनी चाहिए, और तब हमें कंप्लेंट आनी चाहिए कि जैसा आप पढ़ाते हो बच्चा वैसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, उस तरीके से काम नहीं कर रहा ना सीख रहा, ठीक है। बेसिकली स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं। हाँ जी अक्सा, मुझे पता ऐसा ही है, मगर इधर हॉस्पिटल में चलता वही है मैम जो पहले से चल रहा होता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता क्या क्या कि अपने सीनियर से डिस्कशन करके आप बहुत सारी चीज़ें चेंज करवा सकते हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब लेक्चर एंड हो गया, आप लोग अटेंडेंस लगवा लो, टाइम हो गया। ठीक है, डांस लगवा लो सब।
Yeah.